बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम जी। मलेशिया की स्पेशल पास को लेके बहुत सारे सवाल आ रहे थे और बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है स्पेशल पास के हवाले से, तो आज स्पेशल पास के ऊपर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल के ऊपर अगर आप पहली दफ़ा आ रहे हैं, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। स्पेशल पास एक ऐसा इशू है जो कि शायद हर इलीगल बंदे के लिए प्रॉब्लम है, और अगर आप मलेशिया में इलीगल हो रहे हैं या होने जा रहे हैं तो स्पेशल पास की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। अब स्पेशल पास के ऊपर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है वो आ रहा है अपॉइंटमेंट्स का। देखें, आप अगर अपॉइंटमेंट आपने कुआलालंपुर में अगर आपका स्टे है और आप जो हैं वो चाह रहे हैं कि आपको पेनांग साइड के ऊपर जो है वो मिल जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप जहाँ पर हैं आपको वहीं का ही अपॉइंटमेंट मिलनी। अब स्पेशल पास को ले कर बहुत सारे लोग कंसर्न रखते हैं, क्योंकि इलीगल अगर हो जाते हैं तो इलीगल को जो है वो किस तरह आप सॉर्ट आउट करना है, ये बहुत बड़ा सवाल है। और मलेशिया में इलीगल होने के बहुत सारे नुकसान भी हैं। तो अगर आप जो है मलेशिया में ओवरस्टे हो रहे हैं या आप स्पेशल पास के एप्लीकेंट हैं, तो पहली तो बात यह है कि आपको जानबूझ के आप जो है वो इलीगल ना हो। अगर आपके पास वीज़ा है, वैलिड वीज़ा है, अभी टाइम है, तो आपको ये चाहिए कि आप फौरन आ जाएं वापस अपने मुल्क में। लेकिन अगर आप ओवरस्टे वाला सीन है या आप स्पेशल पास के कंसर्न रखते हैं और स्पेशल पास लेना चाहते हैं, तो फिर आपको जो अपॉइंटमेंट मिल रही है वो तकरीबन एक महीना 10 दिन, एक महीना 20 दिन की अपॉइंटमेंट मिल रही है। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट आपने साथ लेके जाने हैं? आपने अपना पासपोर्ट लेके जाना है, आपने अपनी सारी हिस्ट्री लेके जानी है, आपसे वो जो जो डॉक्यूमेंट मांगेंगे इसके अलावा वो भी आपने साथ अपने रखने हैं, जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स हैं। जब वो आपसे सारे डॉक्यूमेंट ले लेंगे, आपसे फ़ी ले लेंगे, उसके बाद आप जो हैं वो आपको टाइम दे देंगे, आपको एक अपॉइंटमेंट दे देंगे। उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट वाले दिन पहुंचना है अपना स्पेशल पास लेने के लिए। विदाउट अपॉइंटमेंट कोई भी स्पेशल पास नहीं दे रहा है। सो इट इज़ बेटर कि आप जाने से पहले अपॉइंटमेंट ले लें। और अगर आप मलेशिया में लीगल हैं तो अपने आप को जानबूझ के लोगों की बातों में आके ख़ुद को इलीगल ना करें, स्पेशल पास के इशू में ना आए। अगर खुदा ना खास्ता आप पकड़े गए और स्पेशल पास आपने अप्लाई ना किया हुआ, तो आप सीधा सीधा डिपोर्ट होंगे। एक छोटी सी वीडियो है स्पेशल पास के हवाले से। हम कोशिश करेंगे स्पेशल पास के हवाले से आपको आने वाले दिनों में और भी चीज़ों के बारे में बताते रहें। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। मिलते हैं जनाब नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।